अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। प्यारे विद्यार्थियों, मैं राजवीर सिंह, पंजाबी मास्टर, सरकारी सेल्फ स्मार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारायणगढ़। अज आपां नौवीं जमात की पाठपुस्तक साहित्यमाला विच्चों भाई साहब भाई वीर सिंह जी द्वारा रचित कविता समां दे उत्ते विचार चर्चा करांगे। इस तो पहला कि आपां समां कविता शुरू करिए, उस तो पहला आपां भाई वीर सिंह जी दे जीवन अते रचना दे उत्ते थोड़ा जा चानना पावांगे। भाई वीर सिंह जी दा जन्म 5 दिसंबर 1872 ईस्वी नूं सरदार चरण सिंह अते माता सरदारनी उत्तम कौर जी दे घर अमृतसर विखे होया। भाई वीर सिंह जी नूं आधुनिक कविता का जन्मदाता कहा जाता है। उन्हां दी रचना बहुपक्षी है। उन्होंने कविता, वार्तक, नावल अते नाटक की रचना करके आधुनिक साहित्य का आरंभ किया। इस तो इलावा भाई साहब जी ने सिख इतिहास नूं लिखण अते संपादन का काम भी किया। जेकर उन्हां दीआं रचनावां दी गल करिए तां उन्होंने राणा सूरत सिंह, लहरां दे हार, बिजलियां दे हार, मटक हुलारे, मेरे साइयां जीओ, कंबदी कलाई, प्रीत बीणा, कंत सहेली, सतवंत कौर, विजय सिंह, सुंदरी, सुभाग जी दा सुधार, हत्थी बाबा नोद सिंह, राजा लखदाता सिंह, गुरु नानक चमत्कार, श्री कलगीधर चमत्कार, अष्टगुरु चमत्कार, साहित्य अकादमी दिल्ली वालों भाई साहब नूं उन्हां दी रचित पुस्तक मेरे साइया जीओ लई पुरस्कृत किया गया अते भारत सरकार द्वारा आप नूं पद्म भूषण प्रदान किया गया। इस तों इलावा पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर ने आप नूं डी लिट दी मानारथ डिग्री नाल सन्मानित किया गया। सो आओ हुण आपां भाई वीर सिंह जी द्वारा रचित समां कविता दी व्याख्या समझण दी कोशिश करिए कि उह समें कविता दे द्वारा सानू की संदेश देना चाहते हैं। समा भावें कि बहुत छोटा जिहा शब्द है पर अपने आप दे विचे बहुत वड्डे अर्थ समोई बैठा है। जेकर असी इस दी सार्थकता नूं समझ लईए तां असी अपना जीवन सफल कर सकते हैं। रही वास्ते घत समय ने इक न मन्नी, फड़ फड़ रही तरीक समय खिसकाई करनी। भाई साहब इसकी व्याख्या करते हैं, कहते वो समय के अगे तरले कर करके थक गई कि वह ना जाए पर समय ने उन्हां दी एक नहीं मन्नी। उन्हां ने समय नूं फड़ फड़ के अपने वल खिंचिया पर वो अपना पल्ला छड़ा के उन्हां तों बड़ी दूर निकल गया। अगलियां लाइनां, किवें ना सकी रोक अटक जो पाई भन्नी, त्रिखे अपने वेग गया टप बन्ने बन्नी। वो किसी भी हीले उस समय नूं नहीं रोक सके। उन्होंने समय के रस्ते दे विच जिहड़ी भी रुकावट पाई समा उस रुकावट नूं तोड़ के भन्न के अगे लंघ गया। इस तरह वो अपनी तिखी चाल नाल सब छोटियां मोटियां रुकावटां नूं चीरदा होया अगे ही अगे चला गया। अर्थात कि मनुख किसी भी हीले समय नूं रोक नहीं सकता, वह बड़ी तेजी नाल बीतता जाता है। इस करके जिहड़ा समा वर्तमान
है उसनू चंगे कम्मां दे विच ला के सफल कर लेना चाहिदा है। इस तो बाद भाई साहब अगे लिखते हैं, हो अजे संभाल इस समय नू कर सफल उड़ंदा जावदा, ए ठहरन जाच ना जानदा लंघ गया ना मुड़ के आवदा। इन्हां सत्रां दे विच भाई साहब समय का जिहड़ा एक गुण है उसनू बयान करते हैं ते इंसान नू भी समझाते हैं कि ये जिहड़ा समा है ये मनुख अजे भी समय नू संभाल ले, इसकी कदर कर ले, जिहड़ा तेरे हाथ विच समा है इसनू शुभ कम्मां दे विच ला दे क्योंकि यह अगे दी अगे तुरिया जांदा है, तेरे हत्थों बड़ी तेजी नाल निकलता जांदा है। ये ठहरन जाच ना जानदा, इसनू एक थां दे उत्ते रुकना नहीं आउंदा, लंघ गया ना मुड़ के आउंदा। जेकर ये हत्थों एक बार लंघ जाता है तां मुड़ के ये वापस नहीं आउंदा, उस तो बाद इंसान दे पल्ले सिर्फ ते सिर्फ पछतावा रह जाता है। इस तरह समा चलायमान है, इसकी कदर करनी चाहिए है। जेकर असी समय की कदर करांगे असी जिंदगी विच सुख समृद्धि अते सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सानू समय की कदर करनी चाहिए है। विद्यार्थी वर्ग लई तां खास तौर ते समा जिहड़ा है बहुत ही कीमती हुंदा है। धन्यवाद।